स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब सातवां स्टॉक है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स, और इनको एक बड़ा तो नहीं कहूंगा ऑर्डर मिला है 5,77,00,000 का। पिछली बार जब 7-8 का मिला था मैंने लिया था तो बोल रहे थे ये 7 करोड़ का ऑर्डर आ रहे हैं आप लाइन पे। अभी तो 6 भी नहीं पूरा है। ऐसी धीरे-धीरे करके बढ़ता जाता है कवच का, ये कवच जो ट्रेन में टकराव ना हो इसकी वजह से जो एंटी डिवाइस लगती है उसका, ऐसे मिलते हैं वाले छोटे। तो कर्नेक्स को ग्रीन में रखिए। आठवां स्टॉक है कोफोर, जिसको मैंने इसलिए लिया कि उस दिन बहुत धुनाई हुई थी शुक्रवार को। अब HSBC रिपोर्ट लेके आए, टारगेट 6,500 का दिया तो काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए, तो मुझे लगता है कि आज इसमें बाइंग हो सकती है क्योंकि उस दिन तो बहुत गिर गया था, लोगों ने नीजर रिएक्शन दिया था। 9th स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, इस पर भी एक JP Morgan की रिपोर्ट है, टारगेट 3,100 का दिया उन्होंने। और वही सब लॉजिक दिए कि मुंबई वाली मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कैपिटलाइज करेंगे ये। और 10th स्टॉक है टाटा पावर, इन्होंने एक SJVN के साथ टाई अप किया है, 460 मेगावाट का एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे ये SJVN के लिए, तो टाटा पावर को भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 1,65,00,000 शेयर्स जारी हुए क्योंकि वारंट्स एक्सरसाइज किए गए जिसमें 24 अलॉटीज थे और प्रमोटर्स भी थे। जब ये खबर आई थी तब भी मेरे ख्याल से अपन ने सीधा साधा मेंशन करा था, अब ये कन्वर्जन की खबर है। मैंने 2-3 बार पढ़ा, वो कन्वर्जन हुआ 186 रुपये पर शेयर पे और ये खड़ा हुआ स्टॉक है 107 पे पिटपिटा के एकदम से पिट गया ये बीच में। तो प्रमोटर ने तो सबका पैसा ऊपर ऊपर आया, इसीलिए मैं ग्रीन रख के चलता हूँ। 3-4 बार पढ़ लिया, आप लोग एक दो बार रिलीज पढ़ लेना टटोल। मुझे लग रहा है 186 पे हुआ है कन्वर्जन क्योंकि उस पर असल में एडजस्टमेंट भी कुछ हुआ था बीच में, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। सीमेक भाई रेटिंग्स अपग्रेड है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, क्रिसिल रेटिंग्स ने अपग्रेड कर दिया है, क्रिसिल ए पॉजिटिव से क्रिसिल ए प्लस स्टेबल पर रख दिया है इसकी बैंक फैसिलिटीज, बढ़िया है, कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक, रेटिंग एजेंसी का, दिग्गज रेटिंग एजेंसी का अपग्रेड आता वो। फिर आइए फोर्स मोटर्स पे, हालांकि ये स्टॉक अपनी ही चाल चलता है पर ये काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब ऑटो नंबर आपने सबके देखे होंगे, सबके आ गए, लास्ट में इसका आया है टोटल सेल्स, इसके नंबर छोटे होते हैं लेकिन टोटल सेल्स 43% ईयर एंड ईयर का जंप। अब ये हो सकता है पिछली आई तेजी को जस्टिफाई कर रहा हो, नॉट नेसेसरली आगे की तेजी को इंपेटस दे, पर आज अपन ग्रीन रखते हैं, वॉच आउट करेंगे। और फाइनली नाना चाहते हुए रख दिया मैंने क्योंकि कहीं यस बैंक की खबर डालोगे रिटेल शुरू हो जाता है, आज तो बम्पर तेजी, आज ये वो, ऐसा कुछ नहीं है पर यस बैंक इसीलिए मेंशन करना जरूरी था, कई सारे लार्ज ट्रेड हुए थे उनमें से एक ये हुआ था और उस लार्ज ट्रेड में गोल्डमैन मतलब वो हाथों हाथ बिक गया था, 2% स्टंग बिकना था कार्लाइल का, याद है CNBC वाज की एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सटीक पड़ी। गोल्डमैन सैक्स ने 36,92,00,000 शेयर्स खरीद लिए, ग्रीन रख दिया है, बाकी देखते हैं इसकी चाल अपनी रहती है, कंसोलिडेट कर रहा है इस समय। क्विकली अब हो गए 10-10 स्टॉक पूरे, छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।